ओके गाइस, निकिता गांधी विद अस इन द हाउस एंड वी आर रियली रियली एक्साइटेड. निकिता, क्या तुम्हारे हर गाने की बात करें सारे सुपर हिट हैं. ठीक है, लाइक आई से वी लव योर वॉइस. एक हस्क तुम्हारी आवाज में, एक सैक्स तुम्हारी आवाज में, सब कुछ बढ़िया है. पर हाय हुकू हाय जो गाना था, मैंने सुना तुम 3 साल की थी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, जब ये गाना ओरिजिनल वाला आया था. मैं 3 साल की थी क्या? ऐसा कब आया मेरे था? मेरे कुछ के सोर्सेज ने बताया है कि निकिता गांधी मैं बहुत कितनी साल छोटी की सी. थी वो तो नहीं पता, लेकिन ये बताया कि मैं इतनी छोटी थी, मुझे गाना तब पता नहीं था इतना अच्छे हाँ, तो 3 साल की थी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, छोटी सी थी तुम. बट आई न्यू द सॉन्ग ऑफ कोर्स, हाँ बट ये नहीं कि मुझे, मैं आई डिड नॉट ग्रो अप, आई थिंक आई वाज वेरी हाँ स्मॉल सो जब आई. सो यू हैड टू लाइक रियली रिविजिट द सॉन्ग प्रॉपरली. ओरिजिनल ऐसा कुछ हो नहीं था. नहीं एक्चुअली मैं किसी भी जो रिक्रिएशन होते हैं या अडेप्टे, ये तो रिक्रिएशन भी नहीं है, हाँ ये हाँ अडेप्टेशन जैसा है, सिर्फ इसका हुक लाइन इसका वो हुक वाला लाइन है, है. बाकी जैसे गाना. राबता भी वैसा था, हाँ, फॉर राबता भी एग्जाम्पल ऐसा हुक था. लाइन वॉज द सेम, हाफ द हुक लाइन वॉज दैट. यस बट मुझे ना ऐसे सब जब प्रोजेक्ट्स होते तो आई डोंट लाइक टू रिविजिट, बिकॉज हाँ आई फील कि थोड़ा बायस हो जाता है फिर मामला. लाइक आप फ्रेश पर्सपेक्टिव से नए गाने जैसे ही ट्रीट करो, हाँ ताकि आपका इनपुट एकदम अनबायस्ड रहे. क्या बात है, तो क्या बात क्या बात है. है. 10 साल हो गए तुम्हें इंडस्ट्री में, क्या बात है. वाह या हाँ, ये मैंने बताया अभी. हाँ, मुझे एक्चुअली इन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, इन द नॉट म्यूजिक नॉट इन इंडस्ट्री, बॉलीवुड बट इन द म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री. इंडस्ट्री. यस, सबसे पहला तुमने तमिल कोई गाना गाया तमिल था, गाया था. एक बार हो जाए वो वाला कॉन्सर्ट. लेडी ओ ब्यूटीफुल लेडी ओ सेक्सी लेडी ओ लाइक्स कोरियो. क्या बात है. सो हाउ डिड यू लाइक स्टार्ट योर होल म्यूजिक करियर? थोड़े 10 साल हो गए, थोड़ा सा हम लोग रिविजिट करेंगे इनके माय करियर के गॉड, आई ऊपर. साउंड वेरी ओल्ड नहीं सडन. नहीं ओल्ड की बात नहीं है, दिस इज लाइक अचीवमेंट, माइलस्टोन. मतलब 10 साल इज लाइक, यू नो. तो हाउ आर यू फीलिंग फर्स्टली, लाइक? आई मीन इट्स अनबिलीवेबल स्टिल, क्योंकि ये प्लान में नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में गाऊंगी, गाना गाऊंगी, स्टेज पे परफॉर्म करूंगी रोज, मतलब दिस वुड बी माय लाइफ. आई नेवर थॉट What do you want to become like in आई life if not a वाज singer, or you आई just knew that एम अ डेंटिस्ट. तो you are a dentist? मैं जब जब लेडियो निकला, लाइक 10 years अगो, आई वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, और डूइंग डेंटिस्ट्री की पढ़ाई, और तब ये गाना निकला था. फिर उसके बाद अनिरुद्ध के साथ एक गाना निकला था फ्रॉम तंग मगन. सो दिस करंट सॉन्ग इज माय सेकेंड सॉन्ग विद अनिरुद्ध. एंड उस मतलब उस तो ये दो तीन गाने निकलते निकलते जब मैं मतलब फाइनल ईयर तक पहुंची, तब ऐसा अजीब सा एक स्टेज आ गया था जहाँ पे मैं ऐसे झल्ली बन के बन बना के लैब कोट पहन के आधे नींद में डिपार्टमेंट में घुस रही हूँ, हाँ और फ्रेशर्स जो है आके मेरे साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. मतलब इट वाज वियर्ड, क्योंकि मैं हाँ थोड़ी सी फेमस हो रही थी हाँ चेन्नई में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, वाह, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लोग मेरे साथ पिक्चर क्यों क्यों, ले रहे क्या हो हैं. मतलब एक गया? फैल गई थी ना बात की एक सिंगर है हाँ कॉलेज में, तो इट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी लाइक टू ट्रांजिशन इनटू अ सिंगर, यू Celebrity नो. singer. सो या बट आई स्टिल फील वियर्ड अबाउट इट एक्चुअली, बट मजा आता है. आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वेक अप एवरी डे एंड डू म्यूजिक. अमेजिंग. पता है बहुत सारे, मैंने मैंने ये चीज़ खुद नोटिस की, पर्सनल मैंने नोटिस किया जी कि जो लोग बहुत टैलेंटेड और बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, वो पढ़ाई में भी उतने अच्छे होते हैं. ऐसा है क्या? हाँ, मेरे सारे दोस्त तो उल्टा बोलते हैं जो उल्टा बोलते म्यूजिशियन हैं. हैं. नहीं, वो सब छोड़ छाड़ के ही करते हैं. मतलब उन्होंने IIT किया होता है, इंजीनियर्स होते हैं, फिर वो फिल्म मेकर्स बन जाते हैं या ऐसा. सो ये ये क्रिएटिव होता बेंट है. हमेशा हाँ बचपन से रहता है, राइट? करेक्ट. टॉकिंग अबाउट योर दिस न्यू सॉन्ग, विल कम बैक टू हाई हुकू हाई. हाउ वाज एक्सपीरियंस सिंगिंग दिस, एंड टेल अस मोर अबाउट दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ हुक हाई हुकू हाई. हाय हुकू हाय. बहुत दिन से मैंने इस गाने को सस्पेंस रखा है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हुआ था 2022 में, एंड इनफैक्ट ये रिकॉर्ड हुआ था, आई डिडंट इवन मीट किंग व्हेन वी रिकॉर्डेड दिस. इट वाज रिकॉर्डेड बाय बादशाह. ओ, इज इट? तो मतलब मैं बादशाह से मिलने गई थी फॉर अ रिकॉर्डिंग जुगनू, एंड हमने जुगनू ख़त्म किया, और द सेम प्रोड्यूसर आदित्य देव, उनके स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, एंड ही मेड मी हियर हाय हुकू. इज लाइक आई वॉन्ट रिकॉर्ड यू ऑन अ वर्स इन दिस. सो बादशाह एक्चुअली टुक माई सेशन वाओ. विथ आदित्य, एंड तो फिर वो रिकॉर्डिंग हुआ. तब तो मुझे पता ही नहीं था ये किंग का गाना है, मुझे लगा ये बादशाह बादशाह का ही का. गाना है. फिर बाद में मुझे समझ, तो मुझे लगा
अच्छा ठीक है दोनों का गाना होगा मतलब करते रहते हैं लोग साथ में। तो फिर गाना रिलीज का प्लान बन रहा है काफी दिन से आई थिंक ये गाना अटका हुआ था बिकॉज ऑफ यू नो इट बीइंग अ रिक्रिएशन बहुत परमिशंस लेने पड़ते हैं ये वो तो फिर अल्टीमेटली इस एल्बम में ये यू नो न्यू लाइफ में इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द एल्बम एंड आई गॉट टू नो फ्रॉम द टीम एंड ऑल दैट तो मैंने अल्टीमेटली मैंने सोचा तो अल्टीमेटली कौन है इस गाने में लाइक आप आर किंग ओ तो दिस इज हाउ दिस सॉन्ग अनरैवल्ड फॉर मी बट आई वाज लाइक रियली लाइक मतलब दिस हैड मतलब द सॉन्ग ऑफ कोर्स आप लोग यू विल हियर इट एज आई होकू द सॉन्ग बट हम लोग इसका जो बैक स्टोरी है मतलब इट हैज बीन अ जर्नी सो वेरी एक्साइटेडली मैंने इस बात को मतलब छुपा के रखा है कि हाँ ये बहुत कूल सा गाना कब आएगा पेट में दुखता नहीं है हाउ डू यू डू दैट लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी आर्टिस्ट टू डू दैट नहीं कि मतलब थोड़ा तो बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एक्चुअली बिग 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 पार्ट तो बहुत कभी ऐसे कहीं मतलब कोई पार्टी वार्टी में थोड़ा सा सीन हो जाए जरा बताने का मन करे हाउ डू यू डू इट इनफैक्ट आपने जो अभी ये बात बोली ना इट रिमाइंडेड मी ऑफ एन इंसिडेंट मैं गई थी प्रीतम दा के स्टूडियो में टू रिकॉर्ड I think it was not tere pyar mein tha uske aas pass ka kuch project chal raha tha and was Obe Dardia the same film no tu jhooti mein makar so correct to main tere pyar mein ka kuch redubs ke liye just before the song was releasing aur Obe Dardia ka bhi koi ek session chal raha tha dusre studio to ye log kuch mix sun rahe the तो मैं भी सुन रही थी हमें सुना भी रहे थे कि कितना मस्त लग रहा है ये आउटरो ये वो सुना है अरिजीत ने एंड में जो गाया है तो हम लोग एकदम हाँ वाह 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 कर रहे थे फिर अटक गया गाना दिमाग में और हम लोग यस इट वाज बिकॉज़ तेरे प्यार में वाज बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर तो वो न्यू ईयर के टाइम में ये चल रहा था बिफोर द सॉन्ग्स वर रिलीजिंग एक एक करके तो और हम लोग कहीं तो चंडीगढ़ गए थे एक शो करने और मेरे दिमाग में ओ बे दर्दिया चल रहे और मैं हम भी कर रही हूँ अपने को रोक रही हूँ बिकॉज़ दिस हैपेंस नो व्हेन यू आर सॉन्ग इज इन द लूप हम लोग के साथ ही होता है रिलीज हो गया गाना ना बिकॉज़ तुमने तो सुन लिया बट लोग देन यू लाइक ओ रिलीज नहीं हुआ लाइक ऐसे बहुत बार होता कोई गाना गा रही थी वो आने वाला है वो ऐसा हो जाता है लोगों को समझ नहीं हमारी फट जाती है मत गाओ जितना भी गाओ मत गाओ इसका सॉरी हां ये होता है बट टेल मी हाउ डू यू डील विद दिस लाइक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो कभी दो तीन गाने पैरेलली व्हेन यू सिंगिंग साइमल्टेनियसली हाउ डिफिकल्ट मस्ट बी लाइक फॉर यू टू यू नो टेक वन सॉन्ग आउट ऑफ योर सिस्टम गेट इनटू डिफरेंट लाइक यू नो कंपोजिशन एंड म्यूजिक ये कैसे होता है दैट इज आई यूज्ड टू इट आई लव डूइंग दैट आई लव जैसे होता है ना लाइक अब आई थिंक सबको करना पड़ता है जैसे कोई घर में कोई झगड़ा हुआ फिर निकलते ही ऑटो पकड़ना है या कुछ करना है तो भैया यहाँ जाना ये सब तो होता ही है मतलब एक स्विच तो सब में होता है प्लीज टेल पीपल ये सवाल हम आरजे से भी पूछा था हम लोग हमेशा तो खुश कैसे रहते हैं हमारे भी दुख है अभी सारे आरजे ऐसे होते हैं गुड मॉर्निंग पूछा जाता है कि गला खराब होता है तब आप क्या करते हो तो क्या मतलब डू समथिंग फॉर योर कुछ अलग ट्रीटमेंट्स गले के लिए और व्हाट यू नो कौन सी चीजें परहेज करते हो लाइफ में ऐसा कुछ यू डू नो देयर आर नो डूज एंड डोंट्स आई मीन देयर आर डूज एंड डोंट्स व्हिच ऑफ कोर्स हेल्प लाइक थोड़ा मेरा मैंने जो सीखा है विद यू नो विद एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग वॉइस ऑल ऑफ दैट या म्यूजिक इंडस्ट्री नाउ यस नहीं बट व्हाट आई डू इज एंड दिस माय मॉम हैज एक्चुअली टॉट मी दिस बिकॉज़ मेरे दोनों पेरेंट्स डेंटिस्ट हैं एज वेल आई एम आल्सो लाइक वी आर ऑल यू नो आई हैव ग्रोन अप टू ऑल ड्रॉर्स फिल्ड विद मेडिसिंस दैट एनवायरनमेंट सो तो यू नो ऑफ कोर्स सब हम लोग बहुत we're all medical practitioners so healthcare is always the topic correct to ye cheez maine notice kiya ki kuch bhi bimari ho like whether gala kharab hone wala hai sabko na pata chal jata hai before it happens to wo moment bahut important hai ki aap jab aapko samajh aur main na being an allopath I don't take medicines really so the moment I feel like my voice is gonna you know I like I power up on ghar ka nuska to of course agar homeopathy ki zarurat hoti there are certain throat things so I have a kit with you know ki ye phytolaka ye wo bahut sari cheez hai which really do help and it's the timing that matters ki aapko pata chal jata hai ki thoda ajeeb lag raha hai that is the moment to rectify anything bimari ho throat ache ho kuch bhi ho
So that is what I have realized because हम लोग का इतना travel, you can't afford to fall sick. Exactly. It's like that. That's why I had this question, like how do you do, manage your... Yeah, so that is important. Like to understand your body is very important. और इतना इतना ये how do you balance between, मतलब इतनी सारी आवाजें निकालना मतलब you do party numbers also, you do romantic also, है कोई मतलब कोई एक genre होता है किसी का, you don't have like any, right? you sing like you have a range, हाँ, so how do you do that? But what is your favorite? What do you thrive on? जिसमें मजा आ जाएगी, this is my thing, I'm gonna just like nail it. Is it like more of a westernish or you have like a classical or क्या है निकिता गांधी का पर्सनल चॉइस ऑफ म्यूजिक अगर पूछा जाए तो? That you love to sing, you just like you get like eh. I love singing, like I love singing without the intention of singing, like blues and jazz and R&B. ये सब चीज़ मुझे बहुत naturally पसंद है. हाँ. बाकी चीज़ें भी बहुत पसंद है. Like everything. अभी तो ऐसा हो गया कि music generally world में ऐसा हो गया कि there is no boundary as such of genre. If you really think about it, like if हमारे खुद के एग्जाम्पल में देख लो, like King is supposed to be a rapper, he's doing, you know, romantic pop stuff also at the same and time. Yeah, it's all, everything is pop actually now, like the genres are very vague. So I feel it's awesome for someone like me kyunki mujhe bhi explore karna acha lagta hai aur boundary na banana acha lagta hai. So I just love, you know, constantly molding myself. Wow. The song, yeah. तुम जिस गाने पे हाथ रखती हो सोना बन जाता है. How do you keep yourself humble? Like मेरा बहुत सच में ही बहुत, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, but I really want to ask, what is that one mantra which keeps you humble? Because your songs are just like tuck se hit tick. So क्या करती हो? Like what do you do? I really don't think about that. No, I mean I don't think about the hit and ये वो, मतलब सर पे नहीं चढ़ता क्या रहा? बिल्कुल नहीं. मेरा गाना ऐसा वाला. मुझे तो in fact like मैं तो nervous हो जाती हूँ कि you know like कैसा होगा. लाइक जब काफिराना निकला था तो आई वाज सो नर्वस अबाउट दैट वन सेक्शन जहां पे सिर्फ मेरी आवाज है. एक सेक्शन है जस्ट ऑल द म्यूजिक स्टॉप्स एंड संग चल रहा है इज जस्ट लाइक मी. आई वाज सो लाइक आई गेट नर्वस, लाइक यू नो इट्स नॉट अबाउट वाओ गाना निकला है, मुझे से गाना निकल जाए अच्छे से हो बस बढ़िया. Parties mein hota hai, people play as like when you enter, play your songs, and how do you react it's to all so that? It's like happens. I am so awkward. Yeah. Like ye hota na, main ek friend ke whatever somewhere and then someone play jugnu. Tere pyar mein chal raha hai. Ye sab chal raha hai, main like kyun lagaya tumne? You get awkward. You get? I get very awkward. Like because my friend, the other person will be like. आप पता चल जाता है उनको कि आप क्या करते हो, ये वो तो फिर ऐसे तो आपके गाने सुनते हैं ना. और यार मैं दिन रात तो अपने गाने ही सुनती हूँ, सुनाती हूँ. तो वो जाते हैं, दे प्ले योर सॉन्ग फॉर यू. सबसे ज्यादा कैमराडरी या केमिस्ट्री किस सिंगर के साथ यू फील यू हैव, लाइक व्हेन दिस पर्सन इज देयर एंड हैव अ यू नो कोलैबोरेशन और एसोसिएशन विद दिस पर्टिकुलर सिंगर एंड यू लाइक ओ. आई थिंक द मोस्ट अबंडेंटली क्लियर आंसर टू दैट इज अरिजीत, बट आई फील लाइक दिस कॉम्बिनेशन हैज बीन एपिक फॉर मी. प्रीतम दा, अरिजीत, अमिताभ दा, you know, and me, like this combination, whether it was Ullu Ka Patta, Tere Pyar Mein, Leke Prabhu Ka Naam, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े गाने निकले मेरे जो यही combination रहा है. And मुझे, I don't know if it's the Bengali thing, but हो ही सकता है, you know. There are about 3 total Bengalis in that equation. अरिजीत और मैं आधा-आधा contribute करोगे और I agree. What do you have to say about Ranbir Kapoor? काफी चर्चा में है अभी फिलहाल. Oh. What do you think about Ranbir Kapoor? One word, like his last name is your Ranbir Kapoor. Oh. Animal. Animal. No, no, that's. देख ली movie Animal? नहीं मैंने अभी तक नहीं. मैंने भी नहीं देखी है. Intense. He is. He looks very he's very sweet. Like we हम लोग साथ में तू झूठी के तू झूठी मैम के प्रमोशंस में थे. जो कॉन्सर्ट हमने साथ में किया था, that's where we met for the first time. तो I was like, hey, introduce myself. Like, I know who you are. I was like, you know who I am. Yeah. All right. तो फिर but
आई थिंक तब वो एनिमल की शूटिंग चल रही थी उसकी, बिकॉज ही हैड दाढ़ी फाड़ी एंड ऑल, यू नो, ही वाज नॉट लुकिंग लाइक द वे ही वाज लुकिंग इन आवर फिल्म. तो और हमने साथ पे बहुत काम किया, लाइक जगह जासूस एंड तभी आई मीन वी वांट टू आस्क लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट इट. एंड ही इज अ वेरी एंड व्हाई आई सेड इंटेंस, क्योंकि उसकी वो एक्टिंग बहुत इंटेंसली करता है. मतलब बहुत डेडिकेटेड एक्टर है इन टर्म, मतलब बहुत सुंदर एक्टर है. एंड लाइक दैट्स व्हाई आई सेड इंटेंस. आई थिंक दैट द इंटेंसिटी ही गिव्स इन हिज जनरल ऑरा एज वेल एज इन हिज एक्टिंग. एक नितिन को भी एक सवाल है, ये नितिन ने पूछा है, कितने लोग आपको और जोनिता गांधी को बहने मानते हैं या फिर आपके बदले उनको कॉल कर दिया है? कभी मुझे इंटरचेंज भी हुआ, बहना बहन तो छोड़ो, कभी कभी तो इंटरचेंज भी हुआ है. हाँ, देख जोनिता को बहुत लोगों ने बोला है कि निकिता मैम आई लव योर सॉन्ग घर. वो मुझे बोली एक दिन, वो मैं थक गई हूँ एक्सप्लेन करने तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ, और मैंने उसको यही बोला कि मैं भी थैंक यू बोल देती हूँ, क्या बोलूँ मैं. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में ना, देयर वाज लाइक दिस, शाहरुख खान को एक बार किसी ने सलमान सलमान बोला था, या एयरपोर्ट में किसी ने उनको अक्षय अक्षय लिख के उन्होंने वो कर दिया. ये बेस्ट है, इधर अक्षय, उसने अक्षय लिख दिया. पहले वो बहन बहन भी होता था बहुत, ऑफ कोर्स इट्स अंडरस्टैंडेबल, नाम भी काफी राइम करते हैं हमारे. और एक इंटरव्यू, रिमेम्बर, एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट आके बोले, तो मैम आप कनाडा में ज्यादा रहती है या बंबई में? मैं उनको देख के, मैं कनाडा में क्यों रहूं? देन वो थोड़ा ऐसे हो गया, मैंने मुझे समझ में आया. Like, मैं निकिता हूँ, मैं जोनिता नहीं हूँ. ओ अच्छा, हाँ वो मतलब मेक, he was trying to cover up. मुझे बहुत हंसी आती है एक्चुअली इसको लेके. बट मैंने आंटी को एक चीज बोल दिया, मैंने कहा अगली बार एक जर्नलिस्ट, क्योंकि जर्नलिस्ट तो रिसर्च करके आता है, अगली बार कोई जर्नलिस्ट ने गलत बात बोली ना, तो मैं ना एक बहुत स्कैंडलाइजिंग स्टोरी बोल दूंगी. मैं बोल दूंगी कि हाँ हम लोग बहन है, मेरे वो मेरे से बड़ी है, तो जोनिता को कनाडा में छोड़ के पापा इधर चले आए और मैं पैदा हुई, ये सब मैं बोल दूंगी अगले इंटरव्यू में, क्योंकि मैं थक गई हूँ एक्सप्लेन करने में कि हम लोग एकदम बहन नहीं, इसलिए हम दोनों सिंगर बन गए. हाँ, हमें मिलना था, हम वापस मिले, भारत में मिले, बॉलीवुड के लिए हमने काम करना शुरू किया. जोनिता को तो चल रहा है, मैंने आंटी को ये बताया स्टोरी कि आंटी आपको मतलब जानना चाहिए, अगर कोई ऐसा स्टोरी आए न्यूज में तो कल्प्रिट मैं ही होंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ सबको एक्सप्लेन करके कि हम लोग बहन नहीं है. तो मैं जबरदस्त बैक स्टोरी दे दूंगी दोनों, जरूरी है. एक एयरपोर्ट वाला भी रिसेंटली भी हुआ है, रणबीर कपूर वाज वॉकिंग आउट एंड लाइक दो तीन बच्चे आए, अक्षय सर तो बोला कि दे दो उनको ऑटोग्राफी, बोले थे जानते भी नहीं मुझे, मैं कौन हूं, दे डोंट नो हु आई एम, इजली जस्ट लाइक वॉक्ड. दिस हैपेंस लाइक विद लॉट ऑफ पीपल. एनीवे, हाय हुगु का एक थोड़ा सा हम लोग को सुनना है लाइव. कहाँ से एक्चुअली वो वर्ड शुरू होते हैं, खत्म ही नहीं होता है. आस पास कोई जगह भी दिखे ना जो साथ चल दिया जाए, कुछ ऐसा हो जो हम किसी से कहे ना चल आज कर लिया जाए, और रखना तुम ख्याल के हम पूरी रात न सोने पाए पाए. हाय हुक हाय हुक हाय 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 हुक हाय हुक हाय हाय. On that note, all the best and we wish you. बहुत सारे गाने हमें और सुनने हैं. We just can't get enough of Nikita Gandhi's voice, Jonita Gandhi's voice, sorry. Very nice. But, but yeah, this sounds really cool. और ये पार्टी एंथम बनने वाला है 100% ये गाना. So all the best, Nikita. And we love to have you over again. वापस दोबारा आइए हमारे इस स्टूडियो में, पधारिए. Your vibe is amazing. Thank you. I love you.
चलो वन वर्ड फॉर ईच, ठीक है, एंड व्हाई. एक शब्द और क्यों. ए आर रहमान. और यू डूइंग पीपल जीनियस. Why का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं. मैं जाने नहीं चाहती वहां तक. No, this is not applicable for AR Rahman. Arijit. I mean, I feel like the same word will apply to a lot of people. Thinking of the right word. There are too many words to describe Arijit. बोल दो. मैं I think सब तारीफ तो करेंगे तो मैं कुछ मजेदार बोलती हूँ. हाँ हाँ. बेंजावी भाई. बेंजावी. मैं भी उन बेंजावी. हाँ, बंगाली पंजाबी. I got it. बेंजावी. You enjoy the word play? Yes, yes, I love it. बेंजावी. अगर आपने नया सीखा है तो अगर कोई भी पंजाबी और बंगाली दोस्त है. इंसर्शन कर बात कर रहे हैं. मैं राप्ता के बात कर रहा हूँ. Yes. प्रीतम. What would I like? I think he is. मेरे दिमाग में आता है वो गाना ना, दिल तो बच्चा है जी. वो ही उनके लिए एकदम करेक्ट. रियली. चाइल्ड. क्यों. ही इज लाइक, ही इज लाइक अ चाइल्ड हु इज हु नेवर वांट्स टू ग्रो अप एंड आई लव दैट. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ अ म्यूजिशियन. कि आप, आपकी जो बचपना रहे, इनक्विजिटिविटी, एक्साइटमेंट, वो रहना चाहिए हमेशा. क्यूरियोसिटी इज लाइक देयर. आई मीन जस्ट या. Tanishq. ये एक ही वर्ड बोलना पड़ेगा क्या सबके लिए. फ्रेज हो सकता है. हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं. दिल से हिट मेकर. ही इज अ हिट मेकर. हां या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. दैट्स अ वर्ड फॉर हिम. अमित त्रिवेदी. क्या बोलो अमित के लिए. आई थिंक I was going to say amaze balls. Amaze balls. That's like such a weird word. Amaze Trivedi. I think I'm going to use the word vibe. Vibe. Amaze balls bhi sunaungi main unko jab aayenge. Nikita Gandhi is. Amaze Trivedi is a vibe. Is a vibe. He is a vibe. He is. I totally agree. He's definitely a vibe. Bacha. Bacha. Jugnu. Yeah, chamakta rehta hai. जुगनू तो सबके साथ. मैं अपना ही गाने का वर्ड डाल दूं. हाँ. वो हो गया डिस्क्रिप्शन है ना जुगनू. हाँ. और बादशाह के गाने भी तो वैसे होते हैं, वो बातें ही तो होती है खाली, है ना. मैं गया मैंने खाया. बट आई थिंक बादशाह लाइक टेडी बेयर. हां या ही इज गोना हेट मी फॉर दिस बट लाइक ही इज लाइक अ cuz आई फील लाइक अंडर ऑल दैट यू नो जैज एक बहुत स्वीट सा इंसान है. हां सो या उसकी स्माइल से भी कम्स अक्रॉस ना. ही इज लाइक डैम क्यूट. गुरु रंधावा. मैं गुरु को, फॉर गुरु आई हैव ओनली वन वर्ड एंड दैट इज रानी. मैंने, नॉट दैट ही इज अ रानी, बट मैंने गुरु को ये बताया भी है कि आपका फेवरेट वर्ड गुरु नहीं. आपका फेवरेट वर्ड रानी है क्या, क्योंकि आप मेक श्योर करते हैं कि आपके हर गाने में ये वर्ड रहेगा ही रहेगा रानी. फिर यू नो हाउ दिस केम अप. हम लोग एक फ्लाइट में साथ में थे, एमिरेट्स का वो, उसमें बैठे थे, दैट लाउंज थिंग फ्लाइट के अंदर. एलए से बॉम्बे वापस आए, बहुत लंबी फ्लाइट है, और हम लोग बैठे हैं वहाँ पे. मैंने बोला देखो भाई, मैं आपसे एक वीडियो बाइट लेने वाली हूँ क्योंकि आप बहुत फेमस हो और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, बट मैं जस्टिफाई करने वाली हूँ क्योंकि मेरे गाने का नाम है महारानी और आपके हर गाने में रानी तो रहता ही है, तो ये तो बनता है कि मैं आपसे ये वीडियो बाइट ले लूं. ऐसे करके मैंने फुल केस बनाया क्योंकि ये आपका फेवरेट वर्ड है. रानी तो है ही मेरे गाने में, तो आप दे दो मेरे गाने के साथ दे दो वीडियो. वाओ वीडियो.